Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on capital punishment, जो फांसी की सजा दी जाती है, तो उसको लेकर क्या ओपिनियंस हैं। और जैसे अभी आप सभी जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेगा, तो उसमें क्या प्रोविजंस होने चाहिए, उसको लेकर एक कमिटी बनाई गई थी, तो उसके क्या रिकमेंडेशंस हैं। ओके, बट बिफोर दैट, अगर आप सिडबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस मॉक ने लॉन्च किया सिडबी GDPI एक्सेलेंस कोर्स। इसमें आपको मिलेगा एक मॉक इंटरव्यू, वन ऑन वन इंटरव्यू विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ RBI। तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा एंड मोर देन 25 रिकॉर्डेड सेशंस हैं। तो ये आपको हेल्प करेंगे, स्पेसिफिकली सिडबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए। तो आपको ये वेरियस एस्पेक्ट्स, जो भी रेलेवेंट जनरल अवेयरनेस, जो भी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो सब इसमें कवर्ड हैं। एंड आपको PDF भी मिलेगा टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर योर ग्रुप डिस्कशंस। तो जो भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो वो आपको यहाँ मिलेंगे। एंड यू विल ऑल्सो गेट अ डाउट क्लियरिंग सेशन, जहाँ पर आप जितने भी अपने जो भी क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं। एंड यू विल ऑल्सो गेट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस, जो आपको ओवरऑल जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है, होलिस्टिक प्रिपरेशन, उसमें हेल्प करेंगे। इट इज़ अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 2399। अगर आप CDB20 कोड यूज़ करते हैं, सो यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च PM प्रैक्टिस प्रो, जिसमें PM बैंकिंग प्रो एंड PM बैंकिंग PDF कोर्स दोनों इंक्लूडेड हैं। मोर देन 20,000 क्वेश्चन हैं, 5,000 मॉक टेस्ट, तो जो भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं, सबके मॉक टेस्ट हैं। एंड इसमें डिटेल सॉल्यूशन हैं, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप टॉपिक वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट लेवल, तो वो सब जो है माइंड में रख के प्रिपेयर किया गया है। एंड इट इज़ प्राइस एट 1249, बट इफ़ यू यूज़ कूपन कोड PM20, यू कैन गेट इट एट 999। ओके, सो आज जो हम एडिटोरियल स्टार्ट करें, वो है लाइफ ओवर डेथ। सो टाइटल से ही पता चल रहा है कि जो पैसेज है वो किसके फेवर में, कैपिटल पनिशमेंट को जो है उसको जो अबॉलिश करने के फेवर में, कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, लाइफ ओवर डेथ, कि डेथ सेंटेंस नहीं देना चाहिए, उसकी जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट देनी चाहिए। ऑलराइट, तो आपको क्विकली रीड करना है पैसेज, जिसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, देन वी विल डिस्कस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, सो आई होप आपने पूरा पैसेज रीड कर लिया है। ठीक है, पॉज करना है सेशन को एंड पूरा पैसेज रीड करना है अपने पेस पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने मिनट्स में ही रीड करना है। अगर आप अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने पेस पर रीड कीजिए, धीरे धीरे स्पीड इम्प्रूव होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में ही टाइमर लगा के फिर रीड करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने पेस पर रीड कीजिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगेगी, और फिर जब आप मॉक टेस्ट देंगे, तो फिर आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कितने टाइम में आपको जो है पैसेज रीड करना है। ऑलराइट, तो जो पैसेज में एक वर्ड यूज हुआ है फैलिबल, तो उसका हमें ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है। तो परसेप्टेबल, इनएलियनेबल, इम्पेकेबल, वेनरेबल एंड इनवैलिबल, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है, इसका आंसर हम पैसेज रीड करने के बाद देखते हैं। ओके, ठीक है, सो Alright, so it is disappointing that the parliamentary committee that examined the Bhartiya Nyaya Sanhita, the proposed criminal statute likely to replace the IPC, has not made a recommendation to abolish the death penalty. तो ये disappointing है, first line से हमें पता चल जाता है opinion कि किस बारे में है, कि it is disappointing कहा गया है, किसको term किया गया है disappointing, कि जो parliamentary committee थी, क्या होता है कि जब parliament में जो है लेकर आया जाता है bill, गवर्नमेंट लेकर आती है कोई बिल, ठीक है, तो पास होने से पहले कई बार उन्हें कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे उसके डिफरेंट प्रोविजंस के ऊपर डिबेट होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, फिर उसमें सजेशंस दिए जाते हैं। तो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भारतीय न्याय संहिता जो बिल है वो था। एंड तो ये क्या है भारतीय न्याय संहिता, द प्रपोज क्रिमिनल स्टेच्यूट, स्टेच्यूट इज़ अ लॉ,
जो कि कोई पार्लियामेंट या फिर कोई असेंबली जो है वो बनाती है। तो जो ये लॉ है क्रिमिनल लॉ, ये प्रपोज्ड यानी कि जो प्लान किया गया है कि फ्यूचर में ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इस लॉ पर बेस्ड होगा, लाइकली टू रिप्लेस आईपीसी। अभी किस पर है? इंडियन पिनल कोड जो है हमारा, उसके प्रोविजंस के बेसिस पे हमारा लीगल सिस्टम वर्क करता है, तो उसको रिप्लेस कर देगा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। हैज़ नॉट मेड अ रिकमेंडेशन, तो ये हैज़ किसके लिए आया है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। इट तो सब्जेक्ट नहीं है, हम ये डमी सब्जेक्ट है, हम कब यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव्स के साथ, कि इट इज़ डिसअपॉइंटिंग दैट। ऑलराइट, तो क्या है डिसअपॉइंटिंग? कि जो ये है हमारा सब्जेक्ट, द पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर हैज़ यूज़ किया है द पार्लियामेंट्री कमेटी। अभी दैट रिलेटिव जो प्रोनाउन है ये पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए यूज़ हुआ, दैट एग्जामिन द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा यही है। फिर कॉमा, यहाँ से यहाँ तक बीएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिर हैज़, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए यूज़ हुआ है। हैज़ नॉट मेड अ रिकमेंडेशन टू एबॉलिश द डेथ पेनल्टी। व्हाट डज एबॉलिश मीन? कि किसी चीज़ को कंटिन्यू ना करना। तो कि अभी तक डेथ पेनल्टी दी जाती थी, अब ये उम्मीद की जा रही थी कि जो ये पार्लियामेंट्री कमेटी है ये रिकमेंड करेगी कि डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर देना चाहिए, उसको डिसकॉन्टिन्यू कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा रिकमेंडेशन नहीं आया। ओके, इंस्टेड द स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, तो ये एक नाम था उस कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, डिस्पाइट सबमिशंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड ज्यूरिस्ट्स ऑन एबॉलिशन, चोज टू मेक अ ब्लाइंड रिकमेंडेशन दैट द मैटर मे बी लेफ्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कंसिडर। तो क्या हुआ कि वहाँ पर एक्सपर्ट्स ने और ज्यूरिस्ट्स ने, ज्यूरिस्ट होते हैं जो कि लॉ एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, लॉयर्स हो सकते हैं, सीनियर लॉयर्स हो सकते हैं, जजेस हो सकते हैं, तो जो ज्यूरिस्ट थे और अदर एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने सबमिशंस दिए, अपने ओपिनियंस सबमिट किए ऑन एबॉलिशन, कि क्यों एबॉलिश करना चाहिए, क्यों डिसकॉन्टिन्यू करना चाहिए डेथ पेनल्टी को। तो लेकिन जो जो स्टैंडिंग कमेटी थी चोज, तो ये चोज किसके लिए? स्टैंडिंग कमेटी के लिए, ठीक है, स्टैंडिंग, द स्टैंडिंग कमेटी चोज टू मेक अ ब्लैंड रिकमेंडेशन। ब्लैंड फूड क्या होता है? जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट की बात नहीं हो रही है। ब्लैंड मतलब कि जिसमें उम्मीद की जा रही थी कोई कोई जो है रिकमेंडेशन दी जाएगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट रिपीट की है कि ये गवर्नमेंट जो है वो उनकी कंसिडरेशन पे, कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक, खुद की कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया है ब्लैंड, कि इतना इंटरेस्टिंग या कहीं कि कुछ जिसमें कुछ कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उन्होंने नहीं कहा, वहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं बोली। इट्स ऑब्जर्वेशन इज लिमिटेड टू अ रिमार्क दैट इट हैज़ अंडरस्टूड दैट द रीजन फॉर अ पैशनेट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी इज दैट द जुडिशियल सिस्टम कैन बी फैलिबल एंड टू प्रिवेंट एन इनोसेंट पर्सन फ्रॉम बींग रॉन्गली सेंटेंस टू डेथ। तो वहाँ पर सिर्फ एक्नॉलेज किया है कमिटी ने, ठीक है, ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये दिए कि कमेटी समझती है, मानती है क्या, कि जो आर्ग्यूमेंट दी जा रही है डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट वो ये है कि जुडिशियल सिस्टम फैलेबल है। फैलेबल होता है जो कि गलती कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो पूरी तरह फूल प्रूफ है, या कहें कि पूरी तरह से बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता, गलतियां हो सकती हैं, और इसीलिए कि एक कोई इनोसेंट पर्सन है उसे डेथ सेंटेंस ना मिले, इसलिए हमें एबॉलिश करना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है कमिटी ने एक्नॉलेज किया, ठीक है। हाउ एवर, लेकिन लेकिन क्या, डोमेन एक्सपर्ट्स हैड मेड सम पर्सुएसिव सबमिशंस बिफोर द पैनल दैट इंस्टेंसेज ऑफ ट्रायल कोर्ट्स अवॉर्डिंग डेथ वर ऑन द राइज, वेयर स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स शोड दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज लीनिंग अवे फ्रॉम कैपिटल पनिशमेंट, दैट सोशल साइंटिस्ट हैज डेमॉन्स्ट्रेटेड इट हैड नो डिटरेंट इफेक्ट एंड दैट ग्लोबल ओपिनियन वॉज इन फेवर ऑफ इट्स एबोलिशन। अब यहाँ पर यहाँ पूरा ये सेंटेंस है यहाँ से, कि डोमेन एक्सपर्ट्स, डोमेन होता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो यहाँ पर लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पर्सुएसिव किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को कुछ चीज़ मानने के लिए आप कोई आर्ग्यूमेंट्स देते हो तो उनको कहेंगे कि वो पर्सुएसिव सबमिशंस है, पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट्स है। तो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट सबमिट किए पैनल के सामने? बिफोर हम यूज़ करते, बिफोर मतलब पहले नहीं, बिफोर मतलब सामने, ठीक है। तो बिफोर क्या होता है कि एक काम से पहले दूसरा काम हो गया, बिफोर ये भी होता है किसी के सामने आप कोई चीज़ प्रेजेंट करते हो, आर्ग्यूमेंट देते हो, तो वहाँ भी, ठीक है, तो बिफोर द पैनल दैट इंस्टेंसेज ऑफ क्या, अब यहाँ पर ये कोलन है और यहाँ क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, क्या सबमिशंस थे, वो बताए गए, ठीक है। तो एक तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दिया था एक्सपर्ट्स ने कि ट्रायल कोर्ट्स जो है
उसमें डेथ सेंटेंस ज़्यादा जो है दिया जा रहा है ज़्यादा केसेस के अंदर, लेकिन जो स्टेटिस्टिकल ट्रेंड्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीनिंग अवे, मतलब टर्निंग अवे, कि वो अब कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कम कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, कम डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, लेकिन लोअर कोर्ट्स में ज़्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे जो जिनको भी डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्योंकि फेवर में नहीं है अगर जितने हम ट्रेंड देखें अभी तक, तो वहाँ पर जो है वो फिर उस डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया जाएगा। ओके, तो ये उनका एक आर्ग्यूमेंट था दैट सोशल साइंटिस्ट है डेमोन्स्ट्रेटेड हैड नो डेटरेंट इफेक्ट। डेटरेंट होता है किसी को किसी काम को करने से डिस्करेज करना कि वो ना करे ऐसा। ठीक है, तो अगर कोई एक कंट्री है वो अपने आर्म्ड फोर्सेस को क्यों तैयार रखती है, ताकि जो एनिमी कंट्री है वो अटैक ना करे, तो उसको ही हम कहते हैं डेटरेंट कैपेबिलिटीज, डेटरेंस है। ठीक है, तो डेटरेंट एडजेक्टिव है एंड डेटरेंस होता है एक नाउन। तो अब यहाँ पर डेटरेंस का मतलब क्या है, डेटरेंट इफेक्ट, कि किसी कोई पर्सन जो है वो क्राइम ना करे ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा है सोशल साइंटिस्ट कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी से जो है ये क्राइम करने की टेंडेंसी कम नहीं होती लोगों में, इससे डेटरेंट इम्पैक्ट नहीं है, एंड दैट ग्लोबल ओपिनियन वॉज इन फेवर ऑफ इट्स एबोल्यूशन। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो ज़्यादातर कंट्रीज में जो है डेथ सेंटेंस को एबॉलिश किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। द कोर्ट अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी टू ओनली 7 पीपल फ्रॉम 2007 टू 2022। यहाँ पर द कोर्ट है, सी कैपिटल है, कौन से कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, एक ही कोर्ट का नाम मेंशन है। देखो यहाँ पर भी एस कैपिटल है और सी कैपिटल है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी टू ओनली 7 पीपल, 2007 से 2022 के बीच में सिर्फ 7 लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई, वाइल ऑल डेथ सेंटेंसेज वर आइदर सेट असाइड और कम्यूटेड टू लाइफ इन 2023। और इस साल जितने भी डेथ सेंटेंसेज दिए गए वो या तो सेट असाइड यानी कि हटा दिए गए। अब यहाँ पर सेट असाइड डिफरेंट वेज में यूज़ होता है, एक तो होता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कुछ पैसा अलग रखते हो, ठीक है, जैसे अगर आपको कार लेनी है तो आप यू सेट असाइड एन अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, ओके, तो वो होता है। लेकिन यहाँ पर सेट असाइड का मतलब है कि किसी जो पनिशमेंट है या कोई डिसीजन लिया गया है उसको रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है, एग्जीक्यूट ना करना। तो या तो वो जो डेथ सेंटेंसेस थे इस पीरियड में दिए गए, या तो वो उन्हें कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया, या फिर कम्यूट कर दिया गया कि उनको दूसरी कम सिवियर जो पनिशमेंट है उसमें चेंज कर दिया गया, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, ओके, एज दे डिड नॉट फॉल अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही जो है डेथ सेंटेंस दिया जाता है, और इसीलिए उन्हें, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में नहीं आते थे, तो उन्हें या तो सेट असाइड कर दिया गया, हटा दिया गया, या फिर कम्यूट कर दिया गया, किसी और लेस सिवियर पनिशमेंट में उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया। मेंबर्स हु एडेड नोट्स ऑफ डिसेंट टू द रिपोर्ट आल्सो हाइलाइटेड द आर्ग्यूमेंट दैट कैपिटल पनिशमेंट हैज बीन शोन टू बी नो डेटरेंट। तो यही है, यहाँ पर वही पॉइंट दोबारा कहा गया है कि नोट्स ऑफ डिसेंट जो कमिटी में मेंबर्स थे, क्योंकि कमिटी है तो बहुत सारे डिफरेंट मेंबर्स है, तो क्या होता है कि एक होता है कि जो मेजॉरिटी व्यू है, दूसरा होता है कि जो लोग एग्री नहीं करते, मेंबर्स एग्री नहीं करते उस ओपिनियन से, वो अपने जो है डिसेंट नोट, कि वो डिसएग्री नहीं करते किस चीज़ से, वो उसमें ऐड कर सकते हैं जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें। तो जो डिसेंट नोट्स ऑफ डिसेंट थे उसमें जो मेंबर्स एग्री नहीं करते कमेटी के ओपिनियन से, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हाईलाइट किया कि कैपिटल पनिशमेंट जो है उसका कोई डिटरेंस नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट डिटरेंट, ठीक है, दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमेंडर ऑफ द कन्विक्ट्स नेचुरल लाइफ विल बी अ मोर रिग्रेस पनिशमेंट एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर रिफॉर्म। तो जो मेंबर्स एग्री नहीं कर रहे थे कमिटी के जो ओपिनियन है, रिपोर्ट है उससे, उन्होंने ये कहा कि उनका ये मानना है कि जो अगर किसी कॉन्विक्ट को जो है जितने भी टाइम जो उसकी नेचुरल लाइफ है उतने टाइम तक उसको कैद किया जाता है, प्रिजन में रखा जाता है, तो वो ज़्यादा रिग्रस है, ज़्यादा हार्श पनिशमेंट है इन कंपैरिजन टू अगर उससे कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो, ठीक है। और वहाँ पर उसके रिफॉर्म का, उसमें रिफॉर्म क्या होता है, बदलाव, कि हो सकता है कि वो जो है जो कॉन्विक्ट है उसमें चेंज आए, बदलाव का जो चांस है वो भी होता है, स्कोप होता है वहाँ पर, अगर
लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। तो यहाँ पर ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं अभी तक हम जितने देख रहे हैं, कि अगर आपको कहीं ऐसे लिखना होता है, ठीक है, आपको कहीं पे एक तो वहाँ ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं सब पॉइंट्स, कि अगर कैपिटल पनिशमेंट के को एबॉलिश करने के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो, ठीक है। तो ये सभी कि आप कोट कर सकते हैं, ठीक है, कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी होम अफेयर्स की, उन्होंने उसमें ये डिसेंट नोट थे, ये आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पर कहे गए हैं, ठीक है। एंड दैट मोस्ट ऑफ दोज ऑन डेथ रो केम फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स। तो ये भी उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग जिन्हें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है वो ज़्यादातर अंडर प्रिविलेज यानी कि ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जो कि या तो बैकवर्ड है या इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से होते हैं। ओके, सो दे हैव ऑल्सो मेड द पॉइंट दैट द थ्री बिल्स प्रपोजिंग अ न्यू बॉडी ऑफ क्रिमिनल लॉ आर सब्सटैंशली द सेम एज द एग्जिस्टिंग आईपीसी। उन्होंने ये भी कहा उन मेंबर्स ने कि जो ये नए तीन बिल्स आ रहे हैं, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता और दो बिल्स हैं, तो तीनों लॉ जो बिल्स हैं वो लगभग सब्सटैंशियल यानी कि जो मेन सब्सटेंस है, जो मेन उनका कंटेंट है, वो एग्जिस्टिंग जो आईपीसी एग्जिस्टिंग जो लॉ है उनसे बहुत सिमिलर है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट, तो ये जो तीन लॉज हैं, पुराने तीन लॉज सीआरपीसी आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट, इनसे सिमिलर हैं जो नए तीन बिल्स आए हैं वो। इफ एट ऑल पार्लियामेंट मूव्स टू इनैक्ट द ड्राफ्ट बिल्स विच चेंजेस सजेस्टेड बाय द पार्लियामेंट्री पैनल, इट विल बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स इफ इट इज यूज एज एन ओकेजन टू रिकन्सिडर द नीड टू रिटेन द डेथ पेनल्टी। अब क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया एबोलिशन, ठीक है, तो अब जब ये बिल जो है वापस पार्लियामेंट में जाएगा पास होने के लिए, तो अब यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर ये पार्लियामेंट में जाता है इस और ये एनैक्ट किया जाता है, इन बिल्स को लॉ बनाया जाता है। एनैक्ट हमने फिर से पहले पढ़ा था, एक बार पहले भी देखा था, एक बार फिर देख लेते हैं। एनैक्ट होता है, एक होता है अमेंड, ठीक है, एंड होता है रिपील। ओके, एनैक्ट होता है एक लॉ बनाना, अमेंड होता है उसमें चेंजेस करना, रिपील होता है उसको खत्म करना, एंड करना एक एक लॉ को। तो अगर ये लॉ बनाया जाता है, ठीक है, तो विद चेंजेस सजेस्टेड बाय द पार्लियामेंट्री पैनल, पार्लियामेंट्री पैनल ने जो भी चेंजेस दिए हैं उनको इंक्लूड करके, तो इट विल बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स कि ये ठीक होगा अगर इसे यहाँ पर डेथ पेनल्टी को रिकंसिडर किया जाता है, कि पार्लियामेंट रिकंसिडर करे। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकंसिडर नहीं किया तो पार्लियामेंट डेथ पेनल्टी को एक बार दोबारा रिकंसिडर करे कि उसे हटा देना चाहिए। द बीएनएस हैज़ डिफाइंड लाइफ इंप्रिजनमेंट एज अ टर्म फॉर द रिमेंडर ऑफ वंस नेचुरल लाइफ एंड दिस शुड बी द डिफॉल्ट ऑल्टरनेटिव टू डेथ सेंटेंसेस। तो जो ये भारतीय न्याय संहिता है इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है कि जितने टाइम तक वो पर्सन कोई वो व्यक्ति जीवित रहते हैं, नेचुरल जो लाइफ स्पैन है उतना, तो जितने टाइम तक वो जिंदा रहेगा उस उतने टाइम तक वो जेल में रहेगा, और यही डिफॉल्ट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए डेथ सेंटेंसेस का। तो यहाँ पर यही फेवर किया जा रहा है कि डेथ सेंटेंस की जगह लाइफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए, वो भी फॉर द रिमेंडर ऑफ वंस नेचुरल लाइफ। द केस फॉर एबोलिशन विल गेन स्ट्रेंथ इफ द ट्रेंड ऑफ सीकिंग प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ लाइफ कॉन्विक्ट्स ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स इज अरेस्टेड एंड लाइफ टर्म्स विदाउट रिमिशन बिकम मोर कॉमन। और यहाँ पर एक पॉइंट और कहा गया है, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर एबॉलिशन के फेवर में एक और पॉइंट कब जाएगा, जब ये कॉन्विक्ट्स जो है पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर उनको रिलीज कर दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम के लिए या फिर लाइफ सेंटेंस पर कुछ जो है पॉलिटिशियंस कन्विक्टेड है, लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, वो बाहर आ जाते हैं पॉलिटिकल रीजंस के लिए। ओके, तो वो इस ट्रेंड को हमें अरेस्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो जिन्हें लाइफ सेंटेंस मिला हुआ है वो ऐसे बाहर ना आ पाए, एंड लाइफ टर्म्स विदाउट रिमिशन। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिमिशन होता है जब एक लाइफ सेंटेंस को जो है एक सेंटेंस को जैसे कि 10 साल या 20 साल की सज़ा दी गई है, तो उसे उस कन्विक्ट को पहले ही छोड़ दिया जाए अगर उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो कहते हैं कि जो सेंटेंस है उसे रिमिट कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी फायदा होगा कि अगर डेथ सेंटेंस की जगह ये होना चाहिए कि एक पर्सन है अपनी रिमाइंडर ऑफ लाइफ के लिए वो वहाँ पर कैद है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल रीजंस के लिए वो बाहर आ सकते हैं या फिर उनकी जो सज़ा है वो कम कर दी जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए। रिमिशन शुड बी अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ तब होना चाहिए जब कुछ रेयर केसेस हों, जब उन्हीं केसेस में होना चाहिए,
ह्यूमैनिटेरियन की कोई ऐसे कोई मेडिकल ग्राउंड्स है या कोई और रीज़न है उस केसेस में, एंड नेवर अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, और ऐसा पॉलिटिकल रीजंस के लिए नहीं होना चाहिए और फिर उस पर विवाद नहीं होना चाहिए. ओके, रिमूविंग कैपिटल पनिशमेंट फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक एंड इंट्रोड्यूसिंग अ रैशनल एंड यूनिवर्सल रिमिशन पॉलिसी विल बी अ सब्सटेंटिव रिफॉर्म इन द जुडिशियल सिस्टम. तो क्या जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म हो सकता है? ठीक है, कि एक तो कैपिटल पनिशमेंट को रिमूव करना, हटाना. दूसरा, कि जो ये रिमिशन पॉलिसी है कि आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, ऐसे रैंडमली नहीं होनी चाहिए, एक यूनिवर्सल पूरी कंट्री में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए रिमिशन पे, और वो रैशनल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे नहीं होनी चाहिए. ओके, तो ये यहाँ पर जो है आर्ग्यूमेंट दी गई है. एंड सब्सटेंटिव इज जो इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म हम कह सकते हैं, जो रियलिटीज़ है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उन्हें इंक्लूड करता है. ठीक है, तो ये हमने कल भी देखा था सब्सटेंटिव का मीनिंग. ओके, सो ये रिफॉर्म्स यहाँ पर सजेस्ट किया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप जब आप मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं अगर आपको कैपिटल पनिशमेंट के अबॉलिशमेंट के फेवर में बोलने हैं. तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना, आप इनके जो है शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं. ओके, एंड जो हमें फैलेबल जो हमने देखा था उसका मीनिंग था कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मिस्टेक कर सकता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि जो मिस्टेक नहीं कर सकता. ठीक है, तो यहाँ पर इम्पेकेबल, ठीक है, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो क्लोज आ रहा है इसके ऑपोजिट मीनिंग के, कि इम्पेकेबल जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, और फैलेबल जिस जो गलती कर सकता है, जिसमें फॉल्ट हो सकते हैं. तो सी आंसर होगा. अच्छा, परसेप्टेबल क्या होता है, कि परसेप्शन क्या होता है, व्यू. ठीक है, परसेप्टेबल कि जो दिख किस तरह कोई चीज़ दिख रही है. ओके, दिख तो नहीं. इनएलिनेबल, एलिनेबल क्या होता है, जिसे आप सेपरेट कर सकते हो, एलिनेट कर सकते हो. इनएलिनेबल जिसे आप अलग नहीं कर सकते. वेनरेबल होता है जिसे आप रिस्पेक्ट करते हो बहुत ज़्यादा. ओके, वेनरेबल. एंड इनवायलेबल, वायलेट करना यानी किसी चीज़ का उल्लंघन करना. ठीक है, तो जैसे किसी रूल को वायलेट करना, अगर हम कहें इनवायलेबल है यानी हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते. ओके, तो ये सब मीनिंग जो है वो ऑपोजिट नहीं है फैलिएबल के, तो इम्पेकेबल आंसर होना चाहिए. तो इस सब वर्ड्स पे आपको ध्यान देना, सिर्फ जो है इम्पेकेबल पे ही नहीं. ऑलराइट, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड जो फ्रेजेस हैं वो यहाँ पर मैंशनड है. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे सेट असाइड, तो इस कॉन्टेक्स्ट में सेट असाइड का मतलब क्या, कि एक लीगल डिसीजन को इनवैलिड स्टेट करना. तो ये पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन और मीनिंग भी हो सकते हैं सेट असाइड के. इसका मतलब होता है कि जैसे टू सेव समथिंग, यूजुअली मनी और टाइम फॉर अ स्पेशल पर्पस, किसी चीज़ के लिए आप यू सेट असाइड टाइम फॉर मे बी फॉर एक्सरसाइजिंग. ठीक है, यू सेट असाइड सम मनी फॉर मे बी बाइंग अ हाउस. तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए भी हम सेट असाइड यूज़ करते हैं. ठीक है, और सेटिंग असाइड वंस डिफरेंसेस वहाँ भी यूज़ होता है, कि लोगों ने अपने डिफरेंसेस जो है वो हटा दिए हैं, यानी वो अब उनके ऊपर फोकस नहीं है उनका. ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों की भी बात करते हैं, तब हम सेट असाइड यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस तरह आपको ये बाकी मीनिंग भी पता होने चाहिए, ताकि आप वोकैबलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट कर पाएंगे. और राइट, कम्यूट का मीनिंग है यहाँ पर इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में तो यही है, कि एक जो सज़ा है उसको कम कर देना. लेकिन एक और मीनिंग होता है कि जब आप अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हैं डेली एक लंबा डिस्टेंस, तो उसके लिए कम्यूट यूज़ किया जाता है वर्ड. ओके, और उस पर्सन को क्या कहते हैं जो ऐसा काम करता है, इट इज़ दैट पर्सन इज़ अ कम्यूटर. ऑल राइट, एंड रिगरस इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में हार्श, बहुत मुश्किल कोई चीज़ है. रिगरस पनिशमेंट ऐसी है जो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी हार्श है. ठीक है, केयरफुल टू लुक एट एवरी पार्ट ऑफ समथिंग टू मेक श्योर इट इज करेक्ट. रिग्रेस का एक और मीनिंग होता है, कि हमने रिग्रेस प्रोसेस फॉलो किया है इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, मतलब कि सारे चेक्स किए हैं, पूरी कोशिश की है कि कोई चीज़ गलत ना हो. ठीक है, तो रिग्रेस का मीनिंग वो भी होता है. तो डिफरेंट मीनिंग है, एक हार्श है एक तरफ, दूसरी तरफ है कि सारी चीज़ें करना ये इंश्योर करने के लिए कोई चीज़ सेफ है, कोई चीज़ करेक्ट है. ओके, एनैक्ट करना हमने पढ़ा था अभी, कि किसी लॉ को बनाना. ठीक है, लेकिन और क्या मीनिंग होता है, किसी काम को एक्शन में रखना. ठीक है, टू एनैक्ट समथिंग, एंड इट ऑल्सो मीन्स टू परफॉर्म अ प्ले. ही एनैक्टेड द रोल ऑन द स्टेज, तो उसने वो रोल जो है वहाँ पे स्टेज पर किया. तो एनैक्ट इन तीनों
कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर वैसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको इनएक्ट दिया है, तीन सेंटेंसेस दिए हैं, तो कौन से सेंटेंस में उसका करेक्ट यूज हुआ है। अच्छा, अरेस्ट का मतलब हमने पैसेज में देखा किसी चीज को रोकना। अरेस्ट ऑल्सो मीन्स टू टेक समवन प्रिजनर, ये आपको पता है। एंड इट ऑल्सो मीन्स टू टेक समवन्स, टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, कि किसी चीज को देख के यू दैट पर्सन वॉज अरेस्टेड, तो वहां पर वो जेल में बंद नहीं हो गया, उसका मतलब था कि अटेंशन गई और वो रुक गया वहीं पर, ठीक है, इतना ज्यादा वो हैरान हुआ किसी चीज को देख कर। ओके, रेमिशन हमने अभी देखा था कि किसी की प्रेजेंट जो डेथ सेंटेंस है उसको चेंज या कोई लॉन्ग जो प्रेजेंट सेंटेंस है उसको कम कर देना, ठीक है, गुड बिहेवियर की वजह से। इट ऑल्सो मीन्स कैंसिलेशन ऑफ अ डेट, कि जैसे अगर आप फी रेमिट करवाते हो तो उसका मतलब है कि जो फीस माफ हो गई है। ओके, एंड अ पेमेंट ऑफ मनी सेंट टू अ पर्सन इन अनदर लोकेशन, क्या होता है जैसे बहुत सारे इंडियंस मिडल ईस्ट में वर्क करते हैं तो वहाँ से वो पैसा अपने घर भेजते हैं, तो उसके लिए भी हम रेमिशन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, रेमिशंस, कि इतने पैसे रेमिट किए गए, तो सेम वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो ये हमने देखा, तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।